हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले बीएससी कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस फॉर गोंडवाना यूनिवर्सिटी। तो जो बीएससी सीएस है गोंडवाना यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो फर्स्ट ईयर है, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हो, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में आसान हिंदी में लाता रहता हूँ। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं हमेशा वहाँ पे रिप्लाई देते रहता हूँ। और ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि पूरे सब्जेक्ट जो आपको पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको मैथमेटिक्स का पार्ट वन होगा, आपको ये यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद आता फिजिक्स का पार्ट वन, ये भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता केमिस्ट्री का पार्ट वन, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, तो ये भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आता डाटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम। अगर आपको प्लेसमेंट अच्छी लेनी है तो आप जो डाटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम ये सब्जेक्ट एकदम अच्छे तरीके से करना, ताकि जो है आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है प्लेसमेंट के हिसाब से। ये सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में देखिए, तो सबसे पहले होता है मैथमेटिक्स का पार्ट टू आएगा यहाँ पे, एडवांस पार्ट थोड़ा सा। उसके बाद फिजिक्स का भी पार्ट टू आएगा, उसके बाद जो केमिस्ट्री का पार्ट टू आएगा, और जो है उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो आपको कंप्यूटर का जो इनर पार्ट होता है, तो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और एक एक बात और कि मैथमेटिक्स जो है आपको थर्ड सेम से नहीं रहेगा, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री है थर्ड सेम से नहीं रहेंगे। उसके बाद जो आपको जो कोर सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर के, मतलब जो डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वगैरह, तो वो आएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, थर्ड सेम से आपको यहाँ पे कोई भी ऐसे सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सब्जेक्ट जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट होते हैं बीएससी सीएस के, अगर आप जो है गोंडवाना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। तो इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं हमेशा वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।